अस्सलाम वालेकुम। मंटार नॉलेज की दिलचस्प और मालूमती पहलियों की सीरीज़ में खुश आमदी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जस्तजू और जुनून, पता है ये जस्तजू है ना, ये बहुत बेचैन लगती है। इसमें मुतला शख्स इस वक्त तक करार नहीं पाता जब तक कि वो इसे मुकम्मल ना कर ले। किसी शय की जस्तजू करना ये तो फितरी अमल है, यहाँ तक बात समझ में भी आती है, लेकिन इस जस्तजू को हासिल करने की खातिर हद से गुजर जाना समझ में नहीं आता, क्योंकि खुदा की बनाई इस कायनात में सब की हदूद मुकर्रर हैं और कोई शय इन हदूद से तजावुज़ नहीं कर सकती। इंसान चूँकि हर मामले में बाख्तियार है, मगर किसी चीज़ के असूल की जहाँ जहाँ बात आती है वहाँ इसे भी मुकद्दर के आगे घुटने टेकना पड़ती हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिहाज से अगर देखा जाए तो हर शख्स किसी न किसी खोज में मसरूफ़ अमल है। मंजिल तक पहुँचने का अगर रास्ता मालूम हो तो मंजिल तक रसाई कदरे सहल और आसान हो जाती है। इसके साथ साथ हिम्मत और मजबूत अज़म का होना भी लाजम है, क्योंकि अक्सर बेशतर हम ज़िंदगी की राह में हायल दुश्वारियों और कठिनाइयों के सबब हौसले हार जाते हैं और शिकस्त से दोचार होना पड़ता है। जबकि कोई जस्तजू ऐसी भी होती है जिसमें मंजिल की राह का इल्म और अज़म और हौसला भी इस तक रसाई हासिल करने में माउन साबित नहीं हो पाता। जैसे कि एक चकोर चांद तक पहुंचने के जस्तजू लिए जुनून के साथ इस अज़म से सफ़र शुरू कर देता है कि इसे पालेगा, इस ना ख़त्म होने वाले सफ़र में वो मुसलसल चांद की जानिब अपनी उड़ान जारी रखता है, हत्ता कि इसका जुनून इसे मौत के दहाने पर ला खड़ा करता है। इस तरह कभी बारिश के बाद परवानों के झुरमुट को शम्मा के गिर्द मचलते देखा है, परवाने को भी शम्मा को छूने की जस्तजू होती है। वो भी शम्मा के करीब पहुंच के जल कर चकोर की माने दम हार जाता है। पर इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये दस्तबरदार नहीं होते, ये जानते हुए कि भी इनकी जस्तजू ला हासिल है फिर भी जहाँ फशानी के साथ अपनी जस्तजू की तरफ लपकते हैं कि उसे पा लेंगे, मगर ये आकबत ना अंदेश ये नहीं जानते कि जानलेवा है। ला हासिल की तमन्ना करना इससे पूरी गुफ्तगू का लब लबाव ये ठहरा कि किसी जस्तजू करना कोई बुरी बात नहीं और ना ही इसे हासिल करना मायूब है। बात जुनून पर आकर बिगड़ती है, ये पा लेने का जुनून ही है जो तमाम हदूद अबूर करवाता है। शायद मोहब्बत ही जुनून का नाम है, किसी पे खुद को मिटा देना ही मोहब्बत है, जब जुनून ही नहीं तो मोहब्बत कैसी। इसीलिए तो लोगों को चकोर और परवाने की मानिंद फना होते देखा है, बाज़ाहिर तो ये अपनी जस्तजू को हासिल करने की मोहब्बत में फना हो जाते हैं पर हकीकत में अमर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकअल्लाह, आप सबका दिल से शुक्रिया।